इस श्रीकांत ने इन बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के नाम पर बैंक से 1,33,00,000 का घोटाला किया। चलिए समझते हैं कि किस तरह से युवाओं के साथ इसने एक अनोखे स्कैम को अंजाम दिया है। श्रीकांत और इसके चार दोस्तों ने हैदराबाद के आसपास के विलेजेस से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलवाने के नाम पर 53 बेरोजगार लड़के और लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और हैदराबाद बेस्ड इस ICICI बैंक में इन सबके अकाउंट्स ओपन करवाए। लेकिन इन सारे अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स और एक्सेस श्रीकांत ने अपने पास ही रखे। श्रीकांत ने अपनी लिविंग इंटीरियर डिजाइन नाम की इस फेक कंपनी के अकाउंट से इन सभी लोगों को अकाउंट में हर महीने 1 से 2 लाख सैलरी क्रेडिट की। लेकिन इनमें से 34 लोगों के अकाउंट को हाई सैलरीड अकाउंट दिखाकर बैंक से इन 34 लोगों के क्रेडिट कार्ड इश्यूज करवा लिए और धीरे धीरे इन क्रेडिट कार्ड्स की भी लिमिट मैक्स करवाई। फिर इन सभी के क्रेडिट कार्ड से 1,33,00,000 रुपए निकालकर ये पांचों लोग रातों रात गायब हो गए। बैंक ने जब इन 34 लोगों को नोटिस भेजा तो इन ग्रामीणों के साथ बैंक को पता चला कि ये तो स्कैम हो गया है। हालांकि पुलिस ने इनमें से 4 तो पकड़ लिए लेकिन 5वें की मौत हो गई। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिंड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।